नमस्कार। आज के इस कॉन्फ्रेंस में सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देता हूँ यहाँ के ऑर्गेनाइजर्स को, जिन्होंने इतनी अच्छी कॉन्फ्रेंस को रखा है और हम लोग को अपनी बात रखने का एक मौका दिया है। कोविड, जैसा कि आप सब जानते हैं कि एक वैश्विक आपदा हम सबके ऊपर आई, और कोविड के कारण पूरी जो भी चीज़ें थी सब अस्त व्यस्त हुई हैं। हमारी अपनी जो नॉर्मल रूटीन की लाइफ है वो खराब हुई है, जो भी हमारे वर्क थे वो सब कुछ खराब हुए हैं, तो ट्रेनिंग भी हमारी इससे काफ़ी हद तक इफेक्ट हुई। हमारे ट्रेनिंग सेंटर्स रेजिडेंशियल भी हुआ करते थे और डे बोर्डिंग भी थे। अभी कोविड जब आया तो हमारे ट्रेनिंग सेंटर्स सारे बंद कर दिए गए, स्किलिंग कम्प्लीटली बंद हो गया और बच्चे भी सारे घर लौट गए थे। इसी के साथ बहुत बड़ी संख्या में जो लेबर फोर्स था उसका भी डिस्प्लेसमेंट हुआ। बहुत सारे मजदूर प्रवासी मजदूर बन गए और जो बॉम्बे में कहीं भी काम कर रहे थे, दिल्ली में, ये सब लौट कर अपने घर पे आ गए। एम्प्लॉयमेंट बहुत फास्ट गिरा, बहुत सारे कंपनीज ने एम्प्लॉयज़ को निकाल भी दिया और दोबारा उनका भी बैलेंस शीट काफ़ी फिट हुआ था, तो नए लोगों को नौकरियाँ मिलना मुश्किल हो रही थी। तो ये काफ़ी सारे चैलेंजेस हम लोग के सामने आ गए थे कोविड में, और इसके लिए सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए। मैं क्रमवार रूप से बताता हूँ आप लोगों को। सबसे पहले तो ये जितने भी प्रवासी मजदूर हमारे यहाँ लौट कर आए हैं, इन सारे मजदूरों का उत्तर प्रदेश सरकार ने एक डेटाबेस को तैयार करवाया है, उसमें उनकी स्किल मैपिंग करवाई है। प्रत्येक कर्मी जिस भी स्किल में हुनर रखता है उसका एक डेटाबेस तैयार किया गया है और इस डेटाबेस को शेयर किया गया है गवर्नमेंट के सारे डिपार्टमेंट्स के साथ में और जितने भी हमारे इंडस्ट्रीज हैं उनके साथ में भी, और इसका एक पोर्टल भी बनाया गया है, सेवा आयोजन पोर्टल, और उस पोर्टल पे ये पूरा डेटा को डाल दिया गया है। इसके बाद उनसे अपेक्षा ये की गई है कि अब इसके अलावा अब जो भी वो नौकरियां देते हैं, चाहे वो नौकरियां सरकारी में हो, चाहे कोई रोड बननी हो उसके लिए लोग की जरूरत हो, या कोई बिल्डिंग बननी हो, मतलब कोई प्रोजेक्ट वर्क हो, या कोई प्रॉपर आप किसी को कंप्यूटर ऑपरेटर को आप रख रहे हैं नौकरी पे अगले एक साल के लिए, तो सारे जो भी हमारे अपॉइंटमेंट्स किए जाने हैं कॉन्ट्रैक्चुअल, आउटसोर्सिंग या प्रोजेक्ट वर्क बेस्ड, वो सारे के सारे हमारे जो भी अपॉइंटमेंट्स हैं वो सेवाजन पोर्टल से हो और इन लोगों को प्रायोरिटी दी जाए उसमें। इसी प्रकार से एमएसएमई इंडस्ट्रीज हो गई, हेवी इंडस्ट्रीज हो गई, इन सभी लोगों को भी हम लोगों ने डेटा शेयर किया और उनसे ये अपेक्षा की कि वो लोग भी इन लोगों को इनके हुनर के हिसाब से, अपने नीड के हिसाब से इन लोगों को अपॉइंटमेंट्स दें। तो ये एक बड़ा प्रयास किया गया जो कि एक तरह का डिजिटल डिवाइड को, एक तरह के इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री को दूर करने का काम किया और इसमें डिजिटल डिवाइड हमारे आड़े ना आए, इसीलिए इन सारे लोगों का डेटा हम लोगों ने अपने एंड से ही बैक एंड से फीड कराया था, ताकि किसी भी लेबर को भटकना ना पड़े कि अपना कैसे कराएगा पंजीयन। ये काम बड़ा काम किया गया है। इसके अलावा इस बार सरकार ने स्किलिंग में उत्तर प्रदेश सरकार ने काफ़ी बड़ा स्टेप उठाया है और तकरीबन 6 लाख लोग की RPL में ट्रेनिंग करवा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि RPL की ट्रेनिंग हमारी छोटी ट्रेनिंग होती है, 3 दिन से लेकर 10 दिन की ट्रेनिंग होती है। इसका नाम होता है रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग। इसका मतलब ये होता है कि जिस व्यक्ति को पहले से हुनर है लेकिन वो सर्टिफाइड नहीं है, और सर्टिफाइड ना होने की वजह से वो कहीं भी अपने किसी इंडस्ट्री में नौकरी नहीं कर सक रहा है या बैंक से उसको लोन नहीं मिल पा रहा है, तो इन सारी समस्याओं को दूर करने के लिए इस बार हम लोगों ने बहुत बड़ी संख्या में तकरीबन 6 लाख टारगेट रखा है RPL का, और हमारे जितने भी प्रवासी मजदूर हैं, निवासी मजदूर हैं या अन्य हमारे जो भी कर्मी हैं या जो भी पढ़े लिखे हमारे बच्चे या लोग हैं उत्तर प्रदेश के, इन सब लोगों को हम लोगों ने इसमें ट्रेनिंग का काम शुरू किया है और हम लोग काम इसमें तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा तकरीबन 2.5 लाख ट्रेनिंग हमारी ऐसी है जो कि हमारी शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग कहलाती है, जो कि 3 महीने से लेकर 6 महीने की होती है, जिसमें बाकायदा उन्होंने सिखाया जाता है, उसका भी काम चल रहा है। मोटा मोटी अगर आप समझे तो तकरीबन 8 से 8.5 लाख ट्रेनिंग्स का इस बार टारगेट रखा हुआ है यूपी सरकार ने, जो कि विगत किसी वर्षों में सर्वाधिक टारगेट है जो कि रखा हुआ है इस साल। इसके साथ ही साथ हम लोगों ने कोर्सेरा करके एक ग्लोबल ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, उसके साथ भी कौशल विकास मिशन ने MOU किया, और ये कोर्सेरा के जो प्लेटफॉर्म्स हैं, इन प्लेटफॉर्म्स पे हाई एंड कोर्सेज होते हैं, जो कि हमारे BTech किए हुए, हमारे ग्रेजुएशन किए हुए ऐसे जो लोग होते हैं जो कि पढ़ लिख के निकल रहे हैं, इनको एक हाई एंड जॉब्स देने के लिए, जैसे मैनेजमेंट के कोर्सेज हैं, 6 सिग्मा हो गया, ब्लैक बेल्ट, इस तरह के कोर्सेज हैं, या आपके कंप्यूटर साइंस के बहुत सारे कोर्सेज हैं, पाइथन, जावा, HTML, ऐसे, तो जो आपके हाई एंड कोर्सेज होते हैं जिनको अगर आप पढ़ लें तो उसके बाद इसमें गूगल के सोल्यूशन हैं, सिस्को के कोर्सेज हैं, कि फिर आपको बहुत हाई नौकरियां जैसे कि
2 लाख महीने की, 1 लाख महीने की, इस तरह की जो नौकरियां हैं वो लग सकती हैं। तो इस तरह के हाई एंड कोर्सेज हैं जो कि जिसका प्रावधान है, और कोर्सेरा इन कोर्सेज के लिए पैसा लेता है और अच्छे भले पैसे होते हैं। एक कोर्स के 10,000, 15,000, 20,000 एक कोर्स के पैसे होते हैं जो कि लगते हैं। इसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने MOU किया और 50,000 लाइसेंसेज हम लोगों ने फ्री में इसके लिए इसको ले लिया है। और इसमें अच्छी बात यह है कि एक लाइसेंस एक व्यक्ति से लिंक है। अगर कोई व्यक्ति अगर 10 कोर्स भी करता है तो 10 कोर्स फ्री रहेंगे उसके लिए और उसको सर्टिफिकेट मिलेंगे। कोर्सेरा में जितने भी ग्लोबल यूनिवर्सिटीज हैं, स्टैनफर्ड है, जॉन हॉपकिंस है, मिशिगन यूनिवर्सिटी है, सिंगापुर यूनिवर्सिटी है, ये सारी उसमें है। और आप जो भी कोर्स करते हैं ये उन यूनिवर्सिटीज का ही आपको मिलता है सर्टिफिकेट। तो ये बहुत ही बड़ा एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुआ है इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज में फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ के उनका सर्टिफिकेट्स लेने के लिए। इसके हमारे पंजीयन अभी चल रहे हैं। इसमें पंजीयन करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2020 है और कोर्स खत्म करने की आखिरी तिथि 15 फरवरी 2021 है। UPSDM के वेबसाइट पर जाकर सामने फ्रंट होम पेज पर ही इसका पंजीयन का प्रक्रिया दिया हुआ है। तो आप में से भी जो भी व्यक्ति इसका लाभ लेना चाहे वो लाभ ले सकते हैं। तो इस प्रकार ये वर्कफोर्स रिकवरी के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव्स उठाए गए, जिसमें कि मैंने बताया कि टारगेट्स को बढ़ाया गया, कोर्सा से मयू किया गया, स्किल मैपिंग कराई गई। इसके साथ ही साथ IC पर भी ध्यान दिया जा रहा है। हम लोगों ने पीछे जब 21 सितंबर से हम लोग के जब शुरू हुए कौशल विकास केंद्र और ITI, तो हम लोगों ने ITI चलो अभियान चलाया, कौशल विकास केंद्र चलो अभियान चलाया, इसमें रेडियो जिंगल्स का भी हम लोगों ने सहारा लिया, अखबारों में एड्स निकाले। और इस तरह की अभी आज भी हम लोग जिस तरह कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो हम लोगों ने प्रयास किया है कि हम लोग कई सारे मीडियम्स को इस्तेमाल करके जो भी हमारे बच्चे हैं, जो भी हमारे नागरिक हैं, उनसे हम लोग बात कर सके और उनके मन में एक जो भय है कौशल विकास को लेकर उसको निकाल सके। हमारे सेंटर्स कम्प्लीटली कोविड से फ्री हैं और पूरे इसमें प्रिकॉशंस लिए गए हैं, इसका गाइडलाइंस जारी किया गया है। हैंड सैनिटाइजिंग, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का प्रयोग, जितनी भी इसमें आवश्यक जो भी गाइडलाइंस जारी की गई हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा, वो सारी गाइडलाइंस हम लोग के ट्रेनिंग पार्टनर्स फॉलो कर रहे हैं। इसलिए मेरा आप लोगों से अनुरोध भी रहेगा कि आप लोग जितने भी हुनर लेने की इच्छा हो और जो ट्रेनिंग लेना चाह रहे हो, चाहे वो डे बोर्डिंग हो, चाहे वो रेजिडेंशियल हो, आप लोग कृपया करके जरूर हमारे ट्रेनिंग सेंटर का लाभ उठाइए। UPSDM अगर आप पोर्टल पर जाएंगे तो UPSDM पोर्टल पर आपको हमारे सारे जितने भी सेक्टर्स में ट्रेनिंग हो रही है, ट्रेनिंग चल रही है, उसकी जानकारी मिलेगी। उसमें आपके ट्रेनिंग सेंटर लोकेटर भी है, आपके घर के नज़दीक में, घर के पास में कौन से ट्रेनिंग सेंटर्स चल रहे हैं, वो किस सेक्टर के हैं, इन सब की जानकारी आप पा सकते हैं और आप पोर्टल से पंजीयन भी कर सकते हैं। यदि हमारे ऐसे कोई भाई बंधु हैं जो कि कंप्यूटर का इस्तेमाल करना नहीं जानते हैं, तो वैसे कंडीशन में वो अपने जनपद के जो कौशल विकास केंद्र हैं या हमारे डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर होते हैं हर जिले में, MIS मैनेजर होते हैं, कार्यालय इनका होता है विकास भवन में जहाँ CDO साहब बैठते हैं, तो वहां पर जाकर आप संपर्क कर सकते हैं इन लोगों से और आपको अपनी रुचि के अनुसार आपके संबंधित क्षेत्र में आपका एनरोलमेंट कराया जाएगा। अभी कौशल विकास मिशन इंटरनेशनल प्लेसमेंट पर भी काम कर रहा है और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो बच्चे हमारे यहाँ से हुनर लेकर निकले उनका हम लोग इंटरनेशनल प्लेसमेंट भी करा सकें। अभी ये शुरुआती दौर है, हमारे तकरीबन 200 बच्चों की चाइना में जॉब लगी है। अभी कोविड के कारण जा नहीं पाए हैं, आफ्टर कोविड ये बच्चे वहाँ पर जाएंगे जॉब करने के लिए। तो इसलिए बहुत सारी नई नई अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं कौशल विकास के क्षेत्र में, कौशल विकास के एरिया में। और मेरा आप लोगों से अनुरोध है, कौशल विकास एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि हमारे समाज के हर संवर्ग के लिए है। इसमें जहाँ एक तरफ हमारे गरीब संवर्ग के और जो उतने संपन्न बैकग्राउंड के नहीं है, जिनको सुविधाएं नहीं मिल पाई हैं, उनके लिए तो ये प्रोग्राम और सारी हमारी व्यवस्थाएं है ही, वहीं जो बच्चे हमारे संपन्न परिवारों से भी आते हैं लेकिन नौकरी नहीं कर पा रहे हैं, बेरोजगार है किसी न किसी कारण से, इवन फॉर्मल एजुकेशन लेने के बाद भी, उनके लिए भी हमारे बहुत सारे कोर्सेज हैं। हमारे कुछ कोर्सेज अभी हम लोग एक नया MOU करने जा रहे हैं जिसमें कि पेड कोर्सेज भी ला रहे हैं ताकि हमारा स्पेंस बढ़ सके और जो हमारे ऐसे बच्चे हैं जो कि अफोर्ड कर सकते हैं फीस पे करना, वो फीस पे करके भी शिक्षा ले सके, और जो हमारे दूसरे बच्चे हैं जो गरीब तबके से आते हैं जो फीस नहीं पे कर सकते हैं, उनके लिए निःशुल्क सुविधा पहले से हमारी उपलब्ध है। तो इन सारी बातों के साथ मैं अपनी बात को यहीं पर समाप्त करता हूँ और मेरा आप लोगों को पुनः ये अनुरोध रहेगा कि आप लोग कौशल विकास केंद्रों के बारे में जानकारी लीजिए, कौशल विकास के बारे में जानकारी लीजिए। हमारे बहुत सारे सेक्टर्स हैं, 41 सेक्टर्स हैं, 700 जॉब रोल्स हैं और आपके इच्छा के अनुरूप, चॉइस के अनुरूप आपको इसमें ट्रेनिंग दिलाने के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं। इसी के साथ